यहाँ आया नज़ारा मस्त, क्या बात है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा क्लोज जाके दिखा रहा हूँ यहाँ से पाकिस्तान कहाँ से बॉर्डर है। कोई ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है तो आपको दिखाने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं तरुण, फोलो नोमैडिक चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक जगह पर हूँ मैं, जे एंड के में सीओट एक जगह है, वहाँ पर मैं रुका हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर भैया हैं, वो मिले हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे रुके हैं और हम फिर घूमेंगे एक साथ, तो उन्होंने बुलाया, तो उनके साथ जा रहा हूँ मैं, उनकी फैमिली के साथ। ये उनके बच्चे हैं। हेलो बोलो। हेलो हेलो बोल। हाँ तो अब हम जा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा जगह। एक है बहुत सिद्ध पीठ है माता रानी का, मंगला माता, वहाँ जा रहे हैं। उसके आगे एक और जगह है, वो भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। वहाँ से वहाँ की वादियाँ दिखाऊंगा, वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर दिखता है वो दिखाऊंगा। तो अभी मैं इनके घर पर हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ। और ये इस घर में बहुत सारे चीज़ें उगी हुई हैं, ये इसका मैं अलग ब्लॉग बना कर दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या फ्रूट लगे हुए हैं, क्या खेती हो रही है, मतलब क्या क्या उगा रखा है यहाँ पर, कैसे यहाँ पे लाइफस्टाइल होता है। तो ये भी एक छोटी ब्लॉगर है अभी ऐसी कोशिश करती रहती है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना। अभी जर्नी स्टार्ट होती है, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यात्रा स्टार्ट हो गई है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बाहर का नज़ारा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सामने पहाड़ है। रास्ते में राजल जहाँ से हम चले हैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है मंगला माता। तो अभी हम पहुँचे राजल, इसके आगे आएगा नौशहरा, इसके बाद आएगा नौशहरा। ये हमारे भैया हैं, हेलो, उनके साथ जा रहा हूँ, उनकी फैमिली के साथ। तो गाइस ये है जम्मू पुंछ हाईवे और अभी नौशहरा आने वाला है और नौशहरा का ब्रिज आने वाला है। अखनूर भी है जाता है और ये ब्रिज आने वाला है। ये अभी पुराना पुल है और साथ में नया पुल भी बना है। तो अगर आप मंगला माता आएंगे तो जम्मू से आएंगे या कहीं आसपास से भी आएंगे तो आपको टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर या फिर बस, ये आपको फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। जम्मू से कितना पड़ेगा? गाड़ी से तो होगी तो वो तो है ही एक ऑप्शन अच्छा। और 120 किलोमीटर पड़ेगा जम्मू से आपको मंगला माता। सिद्ध पीठ है और यहाँ पे सारी मन्नतें पूरी होती हैं और मैं जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ मैं भी, तो आपको वहाँ पर जाके दर्शन कराता हूँ जहाँ तक हो सकता है। अगर कैमरा अंदर अलाउ होगा तो अंदर भी ले जाऊँगा। ये आ गया ब्रिज। ये जा रहा रोड जा रही है पुंछ की तरफ और ये जा रही है नौशहरा की तरफ जहाँ हमने जाना है इस ब्रिज से। हमने टर्न ले लिया है और हाईवे को छोड़ दिया। नौशहरा टाउन आएगा, वहाँ से रास्ता पड़ेगा उस पर, टाउन रास्ते में पड़ेगा आपको। यहाँ पे रोड जो है वो वन वे, ये वाली गाड़ी जाती है, ये टेम्पो ट्रैवलर है, ये ऐसे मिनी बस जो है ये जाती है यहाँ पे और आप यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो गाइस ये है नौशहरे की मार्केट, ये देखिए लिखा हुआ। ऐसा टाउन है यहाँ पे नौशहरा टाउन। मार्केट अभी खुली हुई है, आज रिलैक्सेशन हो गया लॉकडाउन में तो मार्केट खुली हुई है। यहाँ मास्क वगैरह पहने हुए क्योंकि आर्मी और पुलिस फोर्स दोनों ही है यहाँ पर, तो रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं सबने ही मास्क पहने, सबने ऊपर रखे हैं नाक के ऊपर ही। ये टेम्पो जाते हैं मंगला माता, यहाँ से ही जाते हैं चंगड़। चंगड़ एक जगह है वहाँ पे भी जहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर भी, एक बीरम शाह बहुत सिद्ध
उनकी गद्दी है वहाँ पर, वहाँ पे भी जाऊँगा आपको दिखाऊंगा बाबा भीरम शाह महाराज। ये टेम्पो तो लेकिन यहीं मिलेंगे ना, मेट्रो भी चलेगी जैसे सामने जो मिनी बस आ रही है जो ये जो है जाती है। ये देखिए वादियाँ कितनी प्यारी हैं यहाँ पे, पहाड़ के पीछे पहाड़। रोड कितना चारों तरफ वादियाँ। यहाँ पर एक घर हूँ ये वहाँ पे, कितना अच्छी लोकेशन है। यहाँ ज़्यादातर जो है एम्प्लॉइज़ के ही घर हैं, तो यहाँ पर रहने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जो इन एम्प्लॉइज़ को। और आप भी आना चाहें तो यहाँ पे आप आगे घर ले सकते हैं, 370 हटने के बाद आप भी ज़मीन खरीद सकते हैं, यहाँ पर घर ले सकते हैं। ये राधा स्वामी का आश्रम, ये आ गया राधा स्वामी ये होगा आश्रम। चेक पोस्ट है भवानी जगह है, गंगर जाते रास्ते में सामने दे सकते हैं। तो इस हम पहुंचने वाले हैं अब जंगड़, और आई होप गाइस यू आर एंजॉयिंग द व्लॉग। बने हुए कितने सुंदर सुंदर घर आप देख रहे होंगे, मन कर रहा होगा यहाँ भी अपना भी घर हो। ये सामने मंगला माता का मंदिर आ गया है, हम आते हुए आएंगे। पहले हम जा रहे हैं भीरम शाह जी के महाराज जी के, भीरम शाह महाराज जी के वहाँ। अब वे टेम्पल मंगला माता लिखा हुआ, हाँ ये देखिए वे टू मंगला माता लिखा हुआ है, और हम आते हुए यहाँ पर आएंगे और आपको दर्शन कराऊंगा। फिर यहाँ से सीधे जा रहे हैं हम जंगड़ जगह जहाँ पे भीरम शाह महाराज जी गद्दी है, सिद्ध पीठ है, नज़ारे वो एंजॉय करते जाइए। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हाँ क्या नज़ारा है, वाह ऐसे तो मूवीज़ में देखे थे ऐसे नज़ारे, पेड़ देखे थे पेड़ों के बीच में जो रास्ते जा रहे हैं, ये आया नज़ारा है मस्त, क्या बात है। यहाँ तो बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ होता है। आते हुए आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगा रुक के, और फोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह, वीडियो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है, जो लोग करना चाहते हैं यहाँ पे आगे कर सकते हैं। सिनेमैटिक वो आएंगे व्यू आएंगे आपको बिल्कुल, देखते जाइए आप। और आगे और भी अच्छी जगह दिखाएंगे, दुर्लभ जगह लेके जा रहा हूँ आपको, अनएक्सप्लोर्ड जगह लेके जा रहा हूँ। जहाँ से जंगल रह गया 1 किलोमीटर पहुँचने वाले हम, और सीओर से हम चले हैं तो हमें वहाँ से पड़ा है अराउंड 43 किलोमीटर पड़ा है यहाँ से रोड। ये है बाबा भीरम शाह जी की रोड डेडिकेट टू पीपल ऑफ जंगड़ बाय पिग सरनजीत सिंह। तो यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी, थोड़ी सी ट्रैकिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। हम यहाँ पार्किंग लगा लेते पहले, यहाँ पार्किंग कहीं कर लेते हैं। आप लोग जब आओगे कोई गाड़ी से तो अपनी पार्किंग आसपास कर सकते हो, यहाँ पार्किंग बनी हुई, ऊपर से गाड़ी दिखती है दरबार से। हाँ दरबार से गाड़ी भी दिखेगी आपको। यहाँ चलते हैं, यहाँ गाड़ी पार्क कर लेते हैं, ये जगह बनी हुई है। तो गाइस पहुँच गए हैं हम यहाँ पर, अब दिखा रहा हूँ चारों तरफ से आपको, पहले और व्यू देता हूँ यहाँ से। देखिए ये देखिए ये, अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर से इतना थोड़ी सी ट्रैकिंग है और वहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ से वहाँ से गाड़ी भी अपनी शो हो रही होगी, तो आपको रिस्क नहीं है यहाँ पर, ये कोई बाग वाला भी जगह है। चलते हैं इस, होगी ट्रैकिंग स्टार्ट यहाँ से। ये देखो वैसे ट्रैकिंग हम तो शॉर्टकट ले रहे हैं, ये हमारी ब्लॉगर ट्रैकिंग कर रही है। ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होती है जो मेन रोड है, ये बोर्ड लगा हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ से। इतना रिपीट कर रही है मेरा तो। यहाँ से हम जा रहे हैं सीधा आगे, आ जा। इसका नाम है
आराध्या आरू आजा, ये हमारी छोटी ब्लॉगर है, इसका नाम है आराध्या। क्या नाम है? आराध्या। हेलो करो। हेलो। इसका चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना। आप भी हेलो। हेलो। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा है, ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल शुरू हो गई है और ये ट्रैकिंग है भी। हाँ, ऊपर जाके ना आपको इस जगह के बारे में डिटेल में पंडित जी से पूछ के बताऊँगा आपको सारी हिस्ट्री यहाँ की। तो चलिए चलते हैं, वहाँ मिलता हूँ आपको ऊपर ही। कितनी देर की ट्रैकिंग है? गुरुद्वारा भी है, 5 मिनट की ट्रैकिंग है। गुरुद्वारा भी ऊपर है, गुरुद्वारा साहब भी है वहाँ पर, तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये गाइस प्लेन वाला रास्ता है, यहाँ से जा सकते हैं, गाड़ी भी जा सकती है यहाँ पर, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है। और यहाँ से आप सीढ़ियों वाला रास्ता है, हम यहाँ से जा रहे हैं पैदल आए हैं, तो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। तो ये है, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट है, जय बाबा बिरम शादी, यहाँ से स्टार्टिंग है स्टेयर्स, तो यहाँ से हम जा रहे हैं। चलो चल रहे हैं हम, जय बाबा बिरम शाह। स्टेयर्स है, वो सीढ़ियों से आए हैं यहाँ पे, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है। अगर सीढ़ियाँ जिसको घुटनों में प्रॉब्लम हो, वृद्ध हो, कोई हार्ट पेशेंट हो, तो वो सीढ़ियाँ ना चढ़ें, मेन रोड ले लें और वहीं से गाड़ी भी जाती है, गाड़ी ऊपर जा सकती है वहाँ, अगर चाहे तो अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं कोई है, तो चलिए चलते हैं आगे, शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, पहुँचने वाले हैं, मतलब सामने देखिए आगे, और यहाँ से निकले चल रहे हैं आगे। पानी भी पीने के लिए यहाँ है, पीना चाहो तो, पर अभी प्यास नहीं लगी, तो ये पहुँच गए हम ऊपर। हैंड वॉश कर सकते हैं, ये आ गई गद्दी, यहाँ पे अपने शूज़ उतारने हैं और हम अब यहाँ से चल रहे हैं ऊपर, ये पहुँच गए हम। जय हो, क्या हवा चल रही है, जय बाबा बिरम शाह। हैं हम पीछे रह गए, याद हो नज़ारा दिखा दूँ, ओहो हो क्या बात है, इस नज़ारे के लिए तो लाइक बनता है। वो छांव पड़ रही बादलों की, क्या बात है, हवा चल रही है। बाबा की गद्दी वहाँ पे प्रणाम करते हैं, चलते हैं वहाँ। चलो ये पंडित जी हमारे, ये बाबा बिरम शाह महाराज जी, दोस्तों हम जानते हैं पंडित जी से, यहाँ पे जो है पुजारी जी उनसे पूछते हैं बिरम शाह जी के बारे में, जो इतिहास हम जानते हैं। मेरा नाम क्रांति लाल है जी। जी बोलिए। क्रांति लाल मेरा नाम है। क्रांति लाल जी के साथ जुड़ रहे हैं हम, बताएंगे। अच्छा, ये बाबे बिरम शाह का स्थान बड़ा पुराना पवित्र स्थान है, सदियों से चल रहा है, और यहाँ इसका स्थान ये जंगड़ खम्बा में पड़ता है, और वहाँ काफ़ी अच्छे से श्रद्धालु आते हैं, बड़े बड़े दूर से आते हैं। एक बल और कैणी है पाकिस्तान में, और बल और कैणी पाकिस्तान में, उधर भी बाबे जी ने तपस्या की थी। अच्छा। एक बार पाकिस्तान में थे, बाबा जी का स्थान था, तो बाबे जी को मुगला ने बुलाया दिल्ली में, दिल्ली में बुलाया, तो दिल्ली में वो उन्होंने कहा किस पर जाना है, एक कंध की द्वार थी, तो द्वार पर चलकर दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए तो उसके बाद उन्होंने मुगलों ने राजे ने उनको जेल में डाल दिया, जेल में जितनी भी चक्की थी वो अपने आप चलने शुरू हो गई। अच्छा। चलने के बाद वो जितना भी नाच था ख़त्म हो गया, तो राजे ने देखा भाई इधर सब कोई जितना भी आया था वो ख़त्म हो गया नाच, तो फिर राजा उनके बाबे बिरम शाह के फॉर्म में मत्था टेका।
का उन्होंने कहा क्षमा करो महाराज गलती हो। उसके बाद फिर बाबा पीर मिशावर से वापस आए। छठी बादशाही हर गोविंद महाराज जी के साथ थे। एक गुरुद्वारा श्रीनगर में बना और एक ये गुरुद्वारा बनाया या भी दो। अच्छा, गुरु गोविंद ने कहा हमारा निशान क्या होगा? उन्होंने कहा हमारा निशान, बाबा वीर मिशा ने कहा हमारा निशान बाज होगा, जहाँ बाज होगा वहाँ हम होंगे। तो इस स्थान पर बाबा वीर मिशा ने बहुत तपस्या की हुई है। तपस्या करने के बाद ये स्थान बना। कितने बार छोटी सैन से लेकर आज दिन तक कितना मुला पड़ा है, इतने कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो बाबा जी की बहुत कृपा रही है। अभी भी ये जो अभी देखिए साथ गोला पड़ा है। अच्छा, कोई दो साल की बात, तीन साल की बात है। अच्छा, तो इधर कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, सामने पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। ये सामने पाकिस्तान बॉर्डर है अभी। अच्छा अच्छा, और महाराज वो जो हम आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा क्लोज जाके दिखा रहा हूँ यहाँ से पाकिस्तान कहाँ से बॉर्डर है। मुझे लगता नहीं किसी ने YouTube पे अब तक दिखाया होगा आपको, ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है तो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बीच में ये जो घास का मैदान दिखाई दे रहा है, हाँ, ये घास वाला मैदान, हाँ, इससे आगे जो वो पेड़ पूड़ है ना, हाँ, उसके आगे जो इलाका दिखाई दे रहा है वो, हाँ, लास्ट पहाड़ी के बीच में, हाँ, वो जो ऐसे घर रिहायशी दिखाई दे रहा है, हाँ, एरिया, हाँ, वो पाकिस्तान है। और उस जो लास्ट ये ग्राउंड सा है ना, इसके बाद जो जंगल सा है, हाँ, हाँ, जंगल के बाद जो दिखाई दे रहा है ऊंचा, हाँ, हाँ, वो जो रहने की जगह है। अच्छा अच्छा, वो पाकिस्तान है। वो इस पहाड़ी के पीछे भी पाकिस्तान है, 4 किलोमीटर दूर। चार किलोमीटर दूर इधर गाड़ियां जाती थी। अच्छा अच्छा, बना और शेरी। अच्छा अच्छा, ये जो दिख रहा है ये हमारा इलाका है, हमारे ही लोग हैं, और जो उस पहाड़ी के आगे दिख रहा है वहाँ से पाकिस्तान दिख रहा है। अच्छा, वो पाकिस्तान है। तो ये एरिया भी हमारा ही है। ये हमारा ही है। तो दोस्तों ये है एरिया हमारा, यहाँ से ये पहाड़ियों के पहाड़ की साइड पाकिस्तान है 4 किलोमीटर, और ये सारा एरिया अपना है। और वो जो जहाँ छाँव पड़ रही है बहुत दूर, जहाँ पर वो सेकंड लास्ट पे पहाड़ी है उसके आगे जो ऊंचाई दिख रही है वो पाकिस्तान है, और इधर भी इससे उस साइड पाकिस्तान है। तो ऐसे बॉर्डर बटा हुआ है यहाँ पर भी। यहाँ लोगों ने बड़े घर भी तो बना रखे हैं, बड़े बड़े डेयरिंग चाहिए। तो यहाँ पर गोलाबारी चलती है, पर यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कोई गोलाबारी अभी तक चली नहीं है, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता बीरम शाह जी के तपोबल की वजह से, यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो ये चारों तरफ से व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। और अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमेशा मेरे प्रयास होता है कि आपके सामने मैं ऐसी जगहें भी लेके आऊँ जो अनएक्सप्लोर्ड हूँ, वही मैं लेके आ रहा हूँ। कोशिश मेरी वही है, और मैं लो बजट में काम करता हूँ, तो अगर आपके सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे और एक्सप्लोर कर पाऊँगा। प्यारी है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी हवा है ना। देखिए वहाँ गर्म हो रहा है बड़ा, लेकिन धूप से ना फर्श तप रहा है। हवा कितनी चल रही है यहाँ पे, एक बात और बता दूँ आपको, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता मेरे, देखिए यहाँ पे फ़ोन में नेटवर्क नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, बॉर्डर लाइन एरिया है, तो यहाँ पर सारे सिम बंद कर दिए जाते हैं, सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन ही चलेंगे यहाँ पर। मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है ये, तब भी यहाँ बंद हो चुका है। हवा चल रही है यहाँ पर, कितना अच्छा चारों तरफ से व्यू देखिए। तो गाइस ये देखिए सामने जहाँ से हमने हमारी गाड़ी लगी है वहाँ पर, वहाँ से चल के आए हम ट्रैकिंग करते हुए, और ये रास्ता जाता है, ये पैदल रास्ता यहाँ पर पीछे पहुँचता है यहाँ पर मंदिर तक। तो ये गाड़ी से भी आ सकते हैं, और ये हम रास्ते से आए हैं, स्टेयर्स वाला रास्ता भी है। तो चारों तरफ से देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, नज़ारा कितना प्यारा है, हवा इतनी तेज चल रही है, और ये 360 व्यू आपको दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर संडे को, जो एतवार को जो है, रविवार को ज़्यादा यहाँ पे रौनक रहती है, लोग आते हैं काफ़ी, और 17 मार्च को यहाँ पे हर साल मेला भी लगता है। तो अगर आप आना चाहें तो तब देखेंगे तो आपको बहुत मतलब यहाँ पर भीड़ दिखेगी, और भंडारा होता है, मेला होता है ना, भंडारा होता है ना, भंडारा होता है।
दोनों की वैसे थोड़ा कम हो रखा है, पर संडे को फिर भी लोग आते हैं, भंडारा भी होता है। हाँ, संडे को रोज आते हैं हमेशा लोग यहाँ पे ज़्यादा वीकेंड। ये बाबा बीरम शाह रेनोवेशन वर्क यहाँ पे 3rd बटालियन द जट रेजिमेंट भी यहाँ पे 2 दिसंबर 2019 उनका है। तो गाइस हम अरीची आ गए हैं बीरम शाह महाराज के वहाँ से दर्शन होके, अब हम जा रहे हैं मंगला माता। अब मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ मंगला माता का मंदिर।